बांदा खाद के लिए किसानों की लगी लंबी कतार की सूचना पर पहुंचे पूर्व विधायक ने बंटवाई खाद। पूरा मामला जनपद के बबेरू मध्य किसान सेवा सहकारी समिति की है, जहां किसानों की लंबी लाइन जिससे किसान सुबह से ही बिना खाए पिए सहकारी समितियों में डेरा डाले है। खाद न मिलने के कारण किसानों में छाए मायूसी पर पहुंचे पूर्व विधायक विशंभर सिंह यादव ने मध्य किसान सहकारी समिति पहुंचकर सचिव को लगाई फटकार एवं पुलिस कांस्टेबल बुलवाकर किसानों की लाइन लगवाकर एक बोरी खाद प्रति किसानों को दिलवाने का काम किया। वही पूर्व विधायक विशंभर सिंह यादव ने अधिकारियों से बात कर दो ट्रक खाद और भेजने की बात कही। वही किसानों का कहना है कि सरकारी समितियों में खाद नहीं मिल रही, बाहर दुकानों में ज्यादा दाम पर खाद ले रहे हैं। प्रति किसान 5 बोरी खाद की आवश्यकता है, बड़े किसानों को 15 से 20 बोरी खाद की जरूरत है। दिन भर लाइन में खड़ा होने के बाद एक बोरी खाद मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है। एक बोरी खाद मिलने का मतलब है जैसे ऊंट के मुंह में जीरा। इस दौरान इंद्रजीत यादव सदस्य जिला पंचायत बांदा, शिवमंगल सिंह पूर्व जिला पंचायत सदस्य, जीपी सिंह पूर्व जिला पंचायत सदस्य, इंद्रपाल यादव, अखिलेश पाल, चूड़ामणी यादव, मैयादीन यादव, अनूप गुप्ता, भोले यादव, इंद्रजीत, शिवाकांत, भिक्खू खां, हरीश पांडे, अतुल यादव, विजय शंकर द्विवेदी, सुमित अग्रहरी दीप सहित हजारों किसान मौजूद रहे। रिपोर्ट शैलेंद्र त्रिपाठी, चित्रकूट धाम, बांदा मंडल प्रभारी, एवीपी भारत न्यूज चैनल। क्या आप इस पे कर देखिए, जो सरकार है इस समय प्रदेश में और देश में, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, वो किसान विरोधी सरकार है। एक साल तक किसान आंदोलन करता रहा, पड़ा रहा किसान दिल्ली को घेर करके, लेकिन जब चुनाव आए उत्तर प्रदेश के और पंजाब के 5 राज्यों के, तब उस कानून को वापस लिया। जब उनको ये लगा कि किसान हमारे खिलाफ है, बिल्कुल किसान हमको हरा देंगे, इसलिए वो कृषि कानून वापस लिए हैं। किसानों के मुंह से तो कहते हैं कि आज दुगनी करेंगे, लेकिन आज हम बबेरू मध्य सहकारी समिति में खड़े हुए हैं। यहाँ हजारों की तादाद में किसान यूरिया लेने के लिए आया है। DAP भी इनको नहीं मिली ठीक से, और आज यूरिया की जरूरत है अपने खेत में। ये पानी लगा चुके हैं और इन्हें खाद छिड़कनी है, लेकिन नहीं दे पा रही है सरकार। ये किसान विरोधी।